हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। छात्रों की यहां पे एक बड़ी जीत देखने के लिए मिली है, जहां पर 22,000 फर्जी शिक्षकों की भर्ती को कोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर खुशखबरी उनके लिए है, क्योंकि जो यहाँ शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी वो 15-15 लाख रुपए लेकर के घोटाला करते हुए मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करके दी गई थी। और अब इस मामले पर कोर्ट के माध्यम से भी पूरे तौर पे पुष्टि कर दी गई है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। वैसे तो दोस्तों, हर राज्य के अंदर होने वाली भर्तियों में घोटाला होता है। कोई ऐसा राज्य है ही नहीं जिसकी भर्ती का पेपर लीक ना होता हो, पेपर आउट ना होता हो, भर्ती के अंदर घोटाला ना होता हो, या पेपर बेचे जाने की जो कहीं ना कहीं आरोप हैं वो ना लगते हों। वो बात अलग है, कुछ राज्य मान जाते हैं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे माना ही नहीं जाता। आप जितना मर्जी चिल्लाते रहिए, लेकिन एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है कोर्ट के माध्यम से, जहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई है कि कम नंबर वालों को नौकरी दी गई थी, ज़्यादा नंबर वाले बहाल हो गए थे। और 22,000 से ज़्यादा जो फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां हैं उनको रद्द कर दिया गया है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है यहाँ पर दी गई जानकारी कोर्ट के माध्यम से। 23,000 से ज़्यादा नौकरियां रद्द कर दी गई हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले पर ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो आदेश है वो दे दिया है। 4 हफ्तों में वेतन वापस देने का आदेश दिया गया है। 8 साल पहले भर्ती निकाली गई थी 15 लाख रुपये का रिश्वत लेकर। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला देखने के लिए मिला था, जिसमें ममता सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। साल 2014 के अंदर यहाँ पे एक भर्ती का नोटिफिकेशन 2016 में शुरू होता है। आरोप लगाया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई है, कम नंबर होने के बावजूद नौकरियां दी गई हैं, जबकि नौकरी पाने वाले इससे ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका TET भी क्लियर नहीं है। आगे लिखा हुआ, याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के कम नंबर थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान दिया गया है। कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर उन्हें नौकरियां दी गई हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है जिन्होंने TET पास भी नहीं किया है, जबकि राज्य शिक्षक पात्रता के लिए TET परीक्षा पास करना अनिवार्य है। और आज इस मामले पर कोर्ट के माध्यम से सीधे तौर पर अपनी जो मोहर है वो लगा दी गई है और एक बड़ा झटका दिया गया है 22,000 से ज़्यादा ऐसे टीचर्स को जिनकी यहाँ पर नौकरी की गई थी। अब फिलहाल इनकी नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई हैं और 4 हफ्तों के अंदर इनसे जो वेतन है वो वापस लिया जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है। और वापस लिए जाने के बाद फिर से यहाँ पे जो नई शिक्षक भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। 8 साल के बाद एक बड़ा झटका लगा है उनकी नौकरियों को जो यहाँ पे दी गई थी, लेकिन आरोप ये है कि इस भर्ती में घोटाले के आधार पर नौकरियाँ दी गई थी। फिलहाल ये एक बड़ी अपडेट है और एक बेहतरीन अपडेट है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन अभ्यर्थियों ने मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाई और इस घोटाले को उजागर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।